राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक अनपैरेलल्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पे अपनी पहचान रखता रहा है, और पिछले कुछ समय से इसने अपनी जो गुणवत्ता थी उसको काफ़ी तेज़ी से खोया है। तो प्राथमिकता सबसे पहली यहाँ की एकेडमिक एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की है, और उसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो कदम उठाने, वही प्राथमिकता। शैक्षणिक माहौल नहीं देखने को मिल रहा था कि लंबे समय से, और अक्टूबर का महीना भी शुरू होने वाला है, प्राथमिकता क्या रहने वाली है? देखिए, जो NEP अभी लागू किया गया है, सारी जो एफर्ट्स हैं, मुझे लगता है कि NEP को हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए देखिए, जो सेमेस्टर हमारे हैं अंडरग्रेड्स में भी लागू किए गए हैं, उनको रेगुलराइज करना होगा, बहुत सारी चीज़ें डिलेड हैं। तो अगर एग्ज़ाम समय पर नहीं होंगे तो उससे स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान होता है, और NEP को लागू करना है, सेमेस्टर स्कीम में लागू करना है, तो अकॉर्डिंगली जो सिलेबस हैं उनको रिवाइज करना होगा, तो वो चीज़ करना पहली प्राथमिकता होगी। आपने एक बात बोली थी कि कोचिंग तक जाने की जरूरत ही ना पड़े छात्र को, तो विश्वविद्यालय में ऐसा क्या किया जाए? विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स आते हैं, जो सिलेबस में होता है उसको पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन हर एग्ज़ाम के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने पड़ते हैं बच्चों को जॉब के लिए, और जॉब डेफिनेटली उनकी प्रायोरिटी होती है, तो वो सभी जॉब के पीछे दौड़ते हैं और उसके लिए वो कोचिंग करते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर जो भी उनके यहाँ सिलेबस में है उसको वो अच्छी तरीके से पढ़ें, यहीं पर पढ़ें, और कुछ और भी एडिशनल जो उनको चाहिए होता है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनको क्रैक करने के लिए, वो अगर यहाँ माहौल मिल जाए तो मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत बेहतर सुविधाएं हमारे पास हैं, बेहतरीन टीचर्स हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया जाता है और बच्चे वहाँ पे जाते हैं। मुझे लगता है कि यहीं पर वो सारी सुविधाएं। छात्राओं की सुरक्षा राजस्थान में अपने आप में एक बड़ा विषय है, और अब महिला कुलपति के हाथों में पुलिस की कमान मिल रही है, तो किस प्रकार से छात्राओं की जो सुरक्षा उसको सुनिश्चित कर रही है? ये मुद्दा बहुत पिछले कुछ समय से चलता रहा है, और उसके लिए धीरे धीरे काफ़ी सारे कदम भी उठाए गए हैं, जो हम देखें यहाँ पे CCTV लगे हैं कैमरास, और उनमें मतलब उनकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, वो फंक्शनल हैं या नहीं है उनको देखा जाएगा, और स्टूडेंट्स में जो गर्ल्स हैं उनमें स्पेशली अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी, उन्हें वो कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे जो सेंसिटाइजेशन सेल वगैरह हैं वहाँ पे वे बताएं, अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम है तो वे डरे नहीं, वे शेयर करें, निप इन द बड, कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको वहीं पर अगर एड्रेस कर देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सर, पहले भी छात्रों ने बेवकूफ होकर बातें कही हैं, पहले भी महिलाओं की पूर्व अध्यक्ष राजकुमारी के नेतृत्व में कमेटी बनी, उन्होंने सिफारिश की यूनिवर्सिटी को दी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्या आपके वक्त में इस तरह की चीज़ें होंगी या फिर वाकई में धरातल पर काम होंगे? प्राथमिकता निश्चित रूप से धरातल पर काम करने की होगी, और जो भी किसी भी कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको डिटेल में देख करके उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, जो सिलेबस तैयार हुए हैं वो अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर के हुए हैं, मैं ये कह रही हूँ अगर हमें होलिस्टिक एक व्यू चाहिए तो हमें तीनों सालों के भी तैयार कर लेने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो ऑथर्स होंगे वो मटेरियल, रीडिंग मटेरियल वगैरह तैयार भी करेंगे। और दूसरी चीज़, क्लासेस रेगुलर अगर नहीं होंगी, सिलेबस टाइम पे पूरे नहीं होंगे तो हम एग्ज़ाम कैसे टाइम पे कराएंगे? तो क्लासेस को शुरू करना, क्योंकि सिलेबस थोड़े लेट बने हैं इसलिए क्लासेस डिले हुई हैं, उनको रेगुलर करना। जिस सचिवालय के बाहर अमूमन कुलपति के वर्सेस में कई नारे लगते हुए आए हैं, क्या आपके कार्यकाल में भी ऐसा देखने को मिलेगा या कुछ परिवर्तन आएगा? ये आने वाला समय आपको बताएगा। ठीक है।